जब हम इस पे इंस्टॉल करने के बाद डबल क्लिक करेंगे तो क्या हो रहा है, ऐसा कुछ यूजर इंटरफेस दिखाई देगा। आपको फाइल में जाना है, आपको न्यू फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू फाइल पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये पूछेगा आपको साइज क्या रखना है। लाइक मैंने यहाँ पे साइज सेट कर दिया, ये साइज क्लाइंट बताएगा आपको कि क्या साइज है। हाँ, कुछ चीजें होती है जिनके साइज जो होते हैं प्री डिफाइंड होते हैं, जैसे वेबसाइट के साइज होता है 1366 पिक्सल, ठीक है। अगर हम मोबाइल के लिए काम करते हैं तो मोबाइल में आईफोन का साइज ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हम 420 साइज ले लेते हैं, तो अलग अलग साइज होते हैं, वो साइज आपको यहाँ भी मिल जाते हैं। जैसे आप वेब पे क्लिक करोगे तो आप वेबसाइट का साइज मैंने क्या बताया, 1366x768, ये साइज दे रखा है यहाँ पे। अलग अलग स्क्रीन का साइज दे रखा है, आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप क्या करते हो, यहाँ पे जाओगे मोबाइल पे, तो देखो मोबाइल का साइज आ रहा है यहाँ पे, iPhone X का आ रहा है, iPhone 8 7 6 का आ रहा है, ये सारे साइज आ रहे हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ से भी साइज ले सकते हो। पर अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिंटिंग का बात देख रहे हैं। तो प्रिंटिंग पे क्लिक किया मैंने, तो देखो यहाँ पे प्रिंटिंग के साइज आ गए, A4 शीट आ गई। यहाँ पे मैं A4 शीट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास विथ आ रही है, यहाँ से आप विथ सेट कर सकते हो। जब मैंने A4 पे क्लिक किया तो विथ भी उतनी आ गई होगी जितनी A4 की होनी चाहिए थी, ठीक है। यहाँ विथ आ गई है, यहाँ पे हाइट आ गई है, यहाँ पे यूनिट है। आप लाइक यूनिट किसी में भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इंचेस चूज कर लो, आप पिक्सल सेंटीमीटर यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये डायमेंशन चेक करने का तरीका चेंज हो जाता है बस, ठीक है। तो लाइक हम यहाँ से करते हैं। हाँ, पर अगर हम प्रिंटिंग के लिए काम करते हैं तो हम ना क्या यूज करते हैं, इंचेस यूज करते हैं या फिर सेंटीमीटर यूज करते हैं, अगर हम प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं। और अगर हम वेबसाइट के लिए काम करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, पिक्सल्स यूज करते हैं। ये चीज लिख लेना। वेबसाइट के केस में हम पिक्सल यूज करते हैं और प्रिंटिंग के केस में हम इंचेस का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे इसे सेट कर लिया। नीचे एक ऑप्शन आ रहा है CMYK, सियान मजेंटा येलो ब्लैक, जो मैंने अभी बताया था आपको। प्रिंटिंग के केस में हम CMYK कलर का यूज करते हैं और वेबसाइट के केस में हम RGB कलर का यूज करते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। RGB क्योंकि हमारी जो डिवाइसेस होती है ना, इसके कलर जो दिखाई देते हैं वो RGB कलर से दिखाई देते हैं, रेड ग्रीन ब्लू से। तो दोनों हमने सेट कर लिया और हम क्या कर देते हैं, बस क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे मैंने क्रिएट के बटन पे क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैंने एक ऑप्शन नहीं बताया, एक बार वो भी दोबारा से बंद करके खोल लेते हैं। फाइल में गए, न्यू फाइल, हाँ नीचे देखो मोड सेटिंग लिखा आ रहा है या फिर एडवांस ऑप्शन भी आ रहा है। यहाँ पे जो मैंने रेजोल्यूशन के बारे में बताया था, प्रिंटिंग के लिए हाई रेजोल्यूशन यूज करते हैं, वेबसाइट के लिए लो रेजोल्यूशन यूज करते हैं। 36 तो बहुत ज्यादा लो हो जाती है, आप 72 यूज करोगे वेबसाइट के लिए। अब हम क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा आर्टबोर्ड है, यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं कुछ भी चीज को। पोर्ट्रेट में आया, आप चाहो तो इसे लैंडस्केप में भी कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपको डिजाइन चाहिए। अगर लैंडस्केप पे डिजाइन करना, अब इसको एक बार लेने के बाद, डिजाइन को लेने के बाद, तो आप ना आर्टबोर्ड टूल की हेल्प ले सकते हो। आर्टबोर्ड टूल आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा, देखो ये रहा, इसकी शॉर्ट की है Shift+O। इससे क्या होगा, आप आर्टबोर्ड पे इस पे क्लिक करोगे तो आर्टबोर्ड सिलेक्ट हो जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आर्टबोर्ड देखो ऐसे स्विच हो जाएगा, मतलब पोर्ट्रेट लैंडस्केप में हम कर सकते हैं चेंज। बाकी हम क्या कर देते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये सिलेक्शन टूल है, जैसे क्लिक करोगे तो अप्लाई हो जाएगा। तो हमारा आर्टबोर्ड क्या हो गया, अब अप्लाई हो गया। हम क्या करेंगे, ड्रॉ करना सीखेंगे आज कुछ भी। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, कुछ ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं जो ड्रॉ करेंगे हम। मैंने यहाँ पे वेक्टर एक टाई सर्च करी, तो मुझे ना क्या करना है, ये एक टाई बनानी है, ठीक है। सिंपल सी एक टाई है, मुझे ये टाई ड्रॉ करनी है इस तरीके की, ठीक है। तो हम ये बनाना सीखते हैं कैसे बनाएंगे। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैं अपने इलस्ट्रेटर वाले सॉफ्टवेयर में ले जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक ऐसा ब्लू कलर का एक लाइन सी बनी आ रही है, इसे बाउंडिंग बॉक्स बोलते हैं। आप इससे ना ऑल्ट और शिफ्ट दबा के साइज को इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। ऑल्ट और शिफ्ट क्यों यूज करता हूँ मैं, अगर मैं वैसे करूंगा तो ये स्ट्रेच हो सकती है, कभी भी इमेज को स्ट्रेच नहीं करते, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अभी हमेशा आपको इमेज को जब भी साइज को इंक्रीज करना है तो शिफ्ट दबा के करना है, कॉर्नर पकड़ के, ठीक है। कैसे पे लिखने का हम ऑल पे वो जगह छोड़ दे बस उसकी, ठीक है। हाँ, एक मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए मंगाता हूँ, रुक जा रुक जा। समझ में आया?
बनानी है। हाँ एक ही बना ले, चल छोड़ बस, इतना इतना छोड़ इतना करके बस, वो गया वो है, तो बस तो करके निकल जा, ठीक एक है। तो आप मेरे को फोटो भेज दो, नहीं तो तेलंगाना की हो हाँ गई, तेलंगाना की हो गई एक ना, बार भेज दो खराब कर दो। उसी ऐसी कई सारी बॉल बननी है। हाँ नहीं तो फोटोज अलग अलग होगी ना, तेलंगाना की होगी, महाराष्ट्र की अलग अलग होगी, अलग अलग हाँ फोटोज। नहीं तेलंगाना की ही कई सारी फोटो डालनी है, ऐसे जैसे उन्होंने एक बना दिया ना स्क्रीन, हाँ एक और स्क्रीन ऐसी अलग अलग पेज लेके बनती रहेगी, और वो अलग अलग फोटो डलती रहेगी, बस थोड़ा सा लेआउट थोड़ा चेंज होता रहेगा। एक 180 फोटो है ना, तो हर एक सेक्शन में 180 फोटो डलनी है, मतलब 150 तक तो डलनी है कम से कम। आप यानी शिफ्ट दबा के ऐसे कर सकते हो, तो इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। मैं चाहता हूँ अब ये मूव ना करे, तो मूव करने के लिए इसे हमें लॉक करना चाहिए, तो लॉक करने के लिए हम क्या करेंगे, आप ऑब्जेक्ट में जाना, यहाँ लॉक लिखा आएगा, लॉक कर सकते हो, तो इससे क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा ये लॉक हो गई इमेज। इसकी शॉर्टकट भी आप सिलेक्ट करके कंट्रोल टू दबा सकते हो, तो भी लॉक हो जाता है, तो ये लॉक हो गया, ठीक है। तो हमने इसे लॉक कर लिया ताकि अब ये सिलेक्शन में ना आए, हम इसके ऊपर ड्रॉ कर सके कुछ। तो आज हम ना पेन से ड्रॉ करना सीखते हैं, इसमें पेन से कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखो यहाँ एक पेन टूल है ये रहा, ये आपको बताएगा कि कैसे ड्रॉ करते हैं, यानी आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो इससे। हम बस इससे पहले बेसिक सा सीखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया पेन पे, पी शॉर्टकट है पेन टूल का, पी दबाओगे तो पेन टूल आ जाएगा। आपको ना फिल को ना इस वाले जो फिल आ रहा है इसको बंद कर देना है, और यहाँ पे स्ट्रोक में कलर दे देना कोई सा भी, तो मैं यहाँ पे स्ट्रोक पे ब्लू कलर दे देता हूँ यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, देखो दो दो ऑप्शन है यहाँ पे, इसे बोलते हैं फिल कलर, इसको बोलते हैं स्ट्रोक कलर, तो आप इस पे क्लिक करना, नीचे क्रॉस कर देना, तो ये फिल कलर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये स्ट्रोक कलर है, इस पे क्लिक करोगे, डबल क्लिक करना, यहाँ से कलर चूज कर लेना कोई, तो अब यानी स्ट्रोक जो होगी तो वो रेड कलर से स्ट्रोक होगी, ठीक है। अब जूम कर लेते हैं, जूम करने के लिए लिखो कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस से हम जूम कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस से जूम आउट कर सकते हैं। अब यहाँ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, देखो मैंने क्या करा, एक क्लिक देखो यहाँ करा ये रहा, एक क्लिक देखो मैंने यहाँ करा ऐसे, एक क्लिक यहाँ कर दिया ये रहा, अगेन अगेन और ऐसे पॉइंट को मिला दिया, तो क्या हो गया, ये ड्रॉ हो गया, देखो ये पेन से बन गया है। मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखो ये ड्रॉ हो गया रेड कलर से, क्योंकि मैंने रेड कलर लिया हुआ था। अब ऊपर वाला ड्रॉ करते हैं, तो देखो मैंने इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उस पॉइंट पे ले जाके आपको खत्म कर देना है बस। इसे यहाँ रख दिया ऐसे, मैंने इसको यहाँ रख दिया ऐसे, और ऐसे ड्रॉ करके यूँ खींच रख दिया बस, हो गया, ये दोनों पॉइंट बन गए हमारे पास। आप चाहो तो सिलेक्शन टूल लेके इसको सिलेक्ट भी कर सकते हो। अब मैं कलर दे के देखता हूँ इसमें, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मुझे ना ये इसमें है ना कोई कलर चाहिए, कौन सा कलर चाहिए आप सेट कर लो, तो लाइक मुझे ब्लू कलर चाहिए तो मैंने ब्लू कलर दे दिया, ये आ गया। इस पे भी मुझे अलग कलर चाहिए तो मैंने इस पे भी सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, देखो कलर पे ब्लू कलर दे दिया यहाँ पे, मैं थोड़ा डार्क वाला ब्लू दे देता हूँ, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए तो यहाँ पे स्ट्रोक को रिमूव करते, दोनों को सिलेक्ट किया शिफ्ट दबा के, और स्ट्रोक को बंद कर लेते हैं यहाँ से। शिफ्ट दबा से हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते, क्योंकि देखो मैं इस पे क्लिक करता तो यही सिलेक्ट होता, मैंने यहाँ से क्रॉस कर दिया, फिर मुझे यहाँ इस पे जाके इस पे भी क्रॉस करना पड़ता स्ट्रोक हटाने के लिए। अगर आप शिफ्ट दबाते हो तो दोनों एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी, ये भी सिलेक्ट हो गया, शिफ्ट दबा के ये भी सिलेक्ट हो गया, क्रॉस कर देते हो। तो ये देखो हमारी ये जो टाई हमने डिजाइन करनी थी वो बन गई है, ये देखो ये बन गया, शिफ्ट दबा के इसको भी सिलेक्ट किया, दोनों सिलेक्ट हो गए, इसे उठा के मैं यहाँ रख लेता हूँ। तो डिजाइन देखो हमारा कुछ इस तरीके से बन गया, तो हमने बिल्कुल बेसिक सी एक शेप बनाई। चलो अब थोड़ी मुश्किल शेप भी निकालते हैं, तो ये हमने पैन ये बनाई थी टाई है ना, अब ये वाली लेके चलते हैं। अब टाई में क्या है, कॉलर भी है, ठीक है, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे रख के इसे हम ट्रेसिंग बोलेंगे, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे, एक को सिलेक्ट किया फिर दूसरे को सिलेक्ट किया और कंट्रोल जी करके ग्रुप कर दिया, तो ग्रुप से क्या होगा, एक साथ मूव कर जाएगा ये एक साथ हो गया। अब हमने क्या करा, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लेता है दूसरे वाले को। अब मुझे ये ड्रॉ करना है, तो हमने क्या करा, फिर से देखो पी दबाया, पी से पेन टूल लिया, ऐसे क्लिक किया, ये ड्रॉ हुआ, ये देखो ये गया यहाँ पे, अगेन हमने इसको क्या करा, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, फिल को कर देते बंद। हाँ ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा शब्द। चीजें बिल्कुल हाँ ले है, मेरे को भी लग रहा क्या चाहिए,
नहीं नहीं आज शाम तक सारी हो जाएगी आपके पास। हाँ जितना हो सकेगा उतना हो जाएगा शाम तक आज। आप ना स्टेट बाय स्टेट मुझे हाँ बताना स्टार्ट ठीक करो, है ठीक है मेरे पास अभी ना बैकग्राउंड भी नहीं आया, बैकग्राउंड आ रहे हैं ठीक है। गेट्स आ रहे हैं, वो प्रिंट होना आज मैं स्टार्ट रात तक ना आपको सारी चीज़ें फाइनल करके भेजूंगा। करो। हाँ राइट पटाला ओके। ये देखो ये आ गया, सेलेक्ट किया, ड्रॉ किया, ये देखो आ गया हमारे पास। पर आपको क्या करना है, मेरा तो चलो हाथ सेट है, तो आपको ना क्या करना है, फिल को बंद रखना है, स्ट्रोक में कलर रखना है। ये कुछ डिजाइन किया तूने, फोटोशॉप में खुश आ रहा इलस्ट्रेटर पे करना होता है लोगो डिजाइन। अच्छा है, वो बैकग्राउंड यूज करने के लिए फोटोशॉप यूज कर रहा है और इधर सारा। ये तेरे को कोरल ड्रॉ सिखाऊं मैं, एक दिन में सीख जाएगा, तू काम करेगा, बैठ जाएगा आज के दिन है। तो चल मैं कराऊंगा, सिखाऊंगा तुझे भी, आज खत्म करना इसका काम। कोरल ड्रॉ का बता रहा हूँ, उस पर इजी होगा क्या सर? इजी होता है उसमें कोरल ड्रॉ बताऊँ? प्रिंटिंग का काम कोरल ड्रॉ होता है। तो देखो आपने डबल क्लिक किया यहाँ पे, इस पे हमने कोई कलर दे दिया, कौन सा कलर चाहिए, यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये कलर आ गया हमारे पास, देखो ये हो गया ड्रॉ। ठीक है अब हम क्या करते हैं, अभी इसको भी ड्रॉ करते हैं। ठीक है तो हमने क्या करा, फिर से पेन टूल लिया, पी दबाया, पेन टूल लिया, इसको हमने यहाँ पे ऐसे ऐसे ये रख दिया इस तरीके से, ये देखो ड्रॉ हो रहा है ये। पर क्या करना, फिल को बंद रखना, ताकि ना ये देखो ऐसा है हमारे पास, ये देखो हमने ऐसे ड्रॉ किया, ये हो गया हमारा, ये एक दूसरा पॉइंट ये भी खत्म हो गया। अब इस पे भी हम क्या करते हैं, कलर दे देते हैं, लाइक मुझे कौन सा कलर चाहिए, मुझे यहाँ से ये थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए, ये आ गया हमारे पास। ठीक है अब मुझे क्या करना है, ये ड्रॉ करना है, मैंने यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट किया, एक एक दो, पर यहाँ पे देखो अब दिक्कत आई, यहाँ पे ना ये कर्व है। ठीक है अभी तक तो सीधी सीधी लाइन थी, तो चलो मैं भी करता जा रहा था, अब देखो यहाँ कर्व है, तो कर्व है तो आपको बस क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है, क्लिक करके यू ड्रैग करना है ऐसे, मतलब क्लिक को छोड़ना नहीं है। आपने क्या करना है, क्लिक करना है यहाँ पे, देखो अभी यहाँ पे करूंगा तो सीधी लाइन आ जाएगी, पर मुझे सीधी नहीं चाहिए, मुझे कर्व चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करूंगा और छोड़ूंगा नहीं, यानी क्लिक करने के बाद छोड़ इस तरीके से ड्रैग करूंगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कर्व हो गया। अगेन ऐसे क्लिक किया, अगेन ऐसे क्लिक किया यहाँ पे, अगेन ये देखो ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, बन गया। अब क्या करते हैं, कोई कलर दे देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमने क्या करा, यही वाला कलर दे दिया ब्लू सा, ये हमने कलर डाल दिया। अब ये ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, मैंने क्या करा, फिर से पेन टूल लिया, फिर से ड्रॉ करना स्टार्ट किया, ये देखो ये ड्रॉ हुआ, यहाँ से फिल को बंद कर लेते हैं। आप चाहो तो फिल, ये देखो फिल में आ रहा है कलर, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा ना देखो क्या होगा, अगर देखो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा तो एक ऐसा सा आ जाएगा बीच में। ठीक है ये क्योंकि फिल्म में आ रखा है, आपको क्या चाहिए था, स्ट्रोक में कलर चाहिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ से स्विच कर दो, तो यहाँ पे क्लिक कर दो तो फिल आउटलाइन में चला जाएगा अपने आप। अब देखो ड्रॉ करके देखते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो आ गया, और यहाँ पे हमने इस पे क्लिक कर दिया, देखो ये कलर हमारा इधर। ठीक है अब ये ड्रॉ करते हैं, देखो इसमें भी कर्व है, तो अगेन हमने ऐसे क्लिक किया, ऐसे क्लिक किया, देखो अगर मैं सीधी लाइन खींच दूंगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे सीधी लाइन आ जाएगी, तो आपने क्या करना है, पहले यहाँ पे ऐसे कर्व दे देना, फिर ऐसे कर्व दे देना, यहाँ पे कर्व दे देना, यहाँ पे ऐसे कर्व दे देना, और ये हमारा आ गया। चलो हो गया हमारा, देखो सेट ही है, ये देखो बन गया हमारा ये डिज़ाइन, ऐसे आ गया। ठीक है आया ट्रेसिंग करना आपको, किस तरीके से करते हैं, कंट्रोल जी से ग्रुप कर सकते हो, कंट्रोल जी से यानी एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा ये पूरा का पूरा। लाइक हमें लोगो डिजाइनिंग करनी है होती है, तो हम इस तरीके से ट्रेस करते हैं चीजों को। अब थोड़ा सा और मुश्किल लेते हैं, इसे बता रहा हूँ, लेट करके डिलीट मारा गया। पुरानी वाली रीडिंग मिल जाएगी आपके? होगी मेरे पास एक दिन, अभी क्लास से फ्री होकर देखता हूँ। वो बिल बन जाता है मेरा हूँ, पास। क्लास से फ्री होकर देखता। चलो अब शर्ट देख लेते हैं, ये नेट गया करंट वाला ले रहे हैं तो आज क्या, हाँ करंट वाला ले करंट लो,
में आ गया ना आपको किस तरीके से करते हैं। लाइक अब ये ड्रॉ करके देखते हैं, टी शर्ट ओपन इमेज इन न्यू टैब, इफ यू वांट टू इसे ड्रॉ करते हैं। अब कॉपी इमेज, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लिया, साइज कम कर लेते हैं। हमेशा इमेज का साइज कम करना है तो शिफ्ट दबा के करेंगे ताकि रेशियो से कम हो, कभी भी इमेज के साइज को ऐसे नहीं करते, ठीक है? ऐसे नहीं करना, हमेशा शिफ्ट दबा के करना है इस तरीके से, ठीक है? चल मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस से जूम हो जाता है। अब ड्रॉ करते हैं, पी दबाया, पी से पेन टूल आया, एक क्लिक दूसरा क्लिक, ड्रॉ करते हैं ऐसे। देखो क्या दिक्कत आ रही है, कलर आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे देखो स्विच कर दो सीधा सीधा, तो देखो हट गया वो। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे भी कर्व है, हल्का सा, हल्का ही कर्व है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। तो आप यूँ उठा के हल्का सा यूँ ड्रैग कर दो इस तरीके से और क्लिक कर दो ऐसे। अब आगे बढ़ जाते हैं, ये रहा ऐसे क्लिक। जब देखो एक चीज और, जब अगर आप सीधी सीधी लाइन दे रहे हो तो ठीक है, तब आपको आगे मतलब दोबारा क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आप यहाँ कर्व दे रहे हो, कर्व कैसे देते हैं, क्लिक करके यू ड्रैग करा बस। अब आपको ना एक बार क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है? अब जैसे दोबारा देते, देखो यहाँ पे उठाया, ऐसे ड्रैग कर दिया, अगेन क्लिक किया ऐसे। इसमें प्रैक्टिस चाहिए होगी, और ये जो टूल है ना, ये हर सॉफ्टवेयर में होता है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल है कुछ भी ड्रॉ करने के लिए। हमने ऐसे ड्रॉ किया, चलो जरूरी नहीं है आप बिल्कुल सेम बनाओ, मतलब आपका जो पॉइंट्स है वो सही होने चाहिए। देखो मैंने इसे उठा के यहाँ रख लिया, ये ऐसा आ गया। अब कलर चाहिए, यहाँ कलर दे देते अपने हिसाब से, तो यहाँ मैंने ऐसा कुछ ब्लैक सा कलर दे दिया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है? अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, पेन टूल फिर से, यह मैंने इसे ड्रॉ कर दिया। देखो ये दिक्कत है ना, बिल्कुल बंद कर लेते हैं। अच्छा अब देखो आप ना कंट्रोल दबा के ना, अगर जैसे कहीं खराब भी हो गया ये पॉइंट, तो आप कंट्रोल दबा के क्लिक करना, देखो ये वापस आ जाएगा हैंडल। आप इसको ना देखो, जैसे ये इस पॉइंट पे मैंने कंट्रोल दबा के क्लिक किया, ये हैंडल आ गया, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, आ गया ये रहा, इसको आप ऐसे ना एडजस्ट कर सकते हो, बार बार ये सिलेक्ट हो ही रुकते हो। ये जो हैंडल है ना, इसको आप ऐसे ही ड्रैग कर सकते हो इस तरीके, सही कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करके भी इसे ऐसे सेट कर सकते हो इस तरीके से, कॉर्नर को भी राउंड कर सकते हो, कंट्रोल दबा के ये सब चीजें कर सकते हो। कर दिया हमने यहाँ पे, एक काम करते इसमें कलर दे देते कोई और सा, तो इसमें मैंने ब्लैक ना देके मैंने हल्का सा ये वाला डेप्थ वाला कलर दे दिया। इसको हमने उठा के ऐसे रख लिया इस तरीके से, ठीक है? ये आ गया, ये ऐसे आ गया। चाहो तो कंट्रोल दबा के थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। देखो हमारे पास ये टी शर्ट जो है वो ऐसे कुछ डिजाइन होंगे। लाइक आपको कुछ भी वेक्टर डिजाइन करना है तो आप इस तरीके से इसे बना सकते हो पेन टूल की हेल्प लेके, ठीक है? सिर्फ यही नहीं, ये काफी सारी जगह काम आ जाएगा। सब मैं डिलीट मार देता हूँ। देखो हमने ये बनाया, हमने ये बनाया, ठीक है? ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि ये पीछे है इसके। अगर आप चाहते हो कि किसी चीज को ऊपर लेके आना है, आप उसको सिलेक्ट करना, राइट क्लिक करना, अरेंज में जाना और ब्रिंग टू फ्रंट कर देना। तो देखो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये इस तरीके से टाई की शेप बन गई यहाँ पे हमारे पास, जैसे भी हमें रखनी है, ठीक है? ये देखो हमारा कुछ डिजाइन इस तरीके से। कलर बाद में भी चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं है। कलर आप डबल क्लिक करो यहाँ पे, कौन सा कलर चाहिए बस चूज किया आपने, ओके कर दिया, कलर चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है? कोई और कलर देके देखते हैं, रेड कलर और अप्लाई,
स्ट्रोक देखो, स्ट्रोक पे देखो कौन सा कलर आ रहा है, ये वाला कलर आ रहा है। अगर आपको सिर्फ स्ट्रोक चाहिए, फिल नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, पहले क्लिक करोगे यहाँ पे नीचे क्रॉस के बटन पे क्लिक कर दोगे, तो आप क्या आ रहा है, सिर्फ स्ट्रोक स्ट्रोक आ रही है। अगर आपको स्ट्रोक पे दूसरा कलर चाहिए तो आप यहाँ स्ट्रोक सेलेक्ट करो, कौन सा कलर चाहिए चूज किया, ओके कर दिया। ये देखो आगे समझ में, तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमें ना पेन टूल पे ही काम करना है, मतलब पेन टूल से कुछ भी ड्रॉ करना है। तो हम स्टार्टिंग किससे करेंगे, जैसे मैंने तो आपको इससे पेन टूल सिखाया कैसे यूज करते हैं, आपने क्या करना है, एक वेक्टर फेस लेना है बेसिक सा, हाँ इस तरीके से, और आपको ये ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसे फेस ड्रॉ करना है, बिल्कुल सिंपल सिंपल वाले लेने हैं पहले। तो सिंपल वाले कौन सा हो गया, जैसे ये हो गया सिंपल वाला, ठीक है, ऐसे फेस ड्रॉ करने, ये हो गया। ठीक है चलो, ये वाला मैं ड्रॉ करके दिखाया तो कैसे बनाएगा। अच्छा इमेज कैसे लाता हूँ मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ इमेज को, कॉपी इमेज, और इसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पेस्ट करता हूँ। एक ये सब चीजें करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम एक एक करके तरीका सीखेंगे। ठीक है, इसका साइज कम कर लेता हूँ, ऑल्ट और शिफ्ट दबा के मैंने इसका साइज कम कर लिया ऐसे, और इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, पहले मैं इसके बाल बाल ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि सबसे पीछे यही रहेगा। तो क्या शॉर्ट किए पेन टूल की, पी पी दबाया, पेन टूल आया, क्लिक करा हमने यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट, यहाँ ये दूसरा पॉइंट, अगेन यहाँ पे हमने क्या करा, ये थर्ड पॉइंट पे क्लिक किया, पर अब की बार सीधी लाइन नहीं थी, कर्व था, तो होल्ड करके यू ड्रैग कर दिया। कभी कभी हो सकता है ऐसा छूट भी जाए, तो कोई बात नहीं, आप कंट्रोल दबा देना, और कंट्रोल दबाने के बाद ये पॉइंट को पकड़ के खींच देना। पर ये करने से पहले ना ये जो इमेज है उसको लॉक कर लेना कंट्रोल टू से, राइट, कंट्रोल टू से इमेज लॉक हो जाती है। देखो वो छूट गया था पॉइंट, तो मैंने क्या करा इससे कंट्रोल दबा के, कंट्रोल दबा के क्लिक किया यहाँ पे, देखो ये हैंडल वापस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, आप इस हैंडल को ऐसे ठीक कर सकते हो, अगर ऐसे कभी छूट भी जाए तो ये, ठीक है, हाँ सिलेक्शन टूल से, सिलेक्शन टूल की जरूरत नहीं है, जैसे देखो ये छूट गया ना यहाँ पे, ये छूट गया, तो आप क्या करना कंट्रोल दबा देना, तो अपने आप ये टूल आ जाएगा, और आप कंट्रोल दबाए रखना और होल्ड करके रखना कंट्रोल को, और यू ड्रैग कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, इस तरीके से, तो मुझे यहाँ नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ ये यहाँ तक चाहिए था, तो मैंने यहाँ तक ले लिया इस तरीके से, और इसको मैंने यहाँ पॉइंट को ऐसे मिला दिया। कलर दे देते, ठीक है, कौन सा कलर चाहिए मुझे, ब्लैक कलर चाहिए मुझे, ब्लैक नहीं मुझे ब्राउन कलर चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ब्राउन कलर ढूंढा, ये रहा, और ओके कर दिया, तो आ गया ब्राउन कलर तो हमारे पास। इसको उठा के क्या करता हूँ, मैं साइड में रख लेता हूँ फिलहाल। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ये नेक चाहिए, तो मैंने फिर से पेन टूल लिया, देखो दिक्कत क्या आ रही है, हाँ तो आपने क्या करना है, स्विच कर दो इसको ताकि वो दिखाई दे। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे ऐसे रख दिया। ठीक है, ये मैंने कर्व नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे ना फेस आ जाएगा तो अपने आप ही कर्व दिखेगा। ठीक है, इसलिए मैंने कर्व नहीं दिया, तो मैं इसको यहाँ पे उठा के क्या करता हूँ, इसे कहाँ रख देता हूँ, इसे उठा के पहले इसमें कलर दे देते हैं, कौन सा कलर दूँ मैं इसमें, स्किन कलर दे देता हूँ मैं, कलर अपने हिसाब से दे दूंगा यहाँ पे। तो स्किन कलर ढूंढ लेते हैं यहाँ पे, कौन सा है स्किन कलर, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा मुझे, और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, और इसको उठा के यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक रहेगा, ये यहाँ तक सही रहेगा, तो मैंने यहाँ तक सही रख दिया सर। अब सेकंड क्या चीज़ चाहिए मुझे यहाँ पे, ये वाली शेप चाहिए, तो ये वाली शेप भी मैं इसी से, ये आप ना चाहो तो रेक्टेंगल से ही बना सकते हो, पर अभी हमने रेक्टेंगल पे काम नहीं किया, तो हम इसी टूल को यूज़ करेंगे, इसी से बनाने की सारी चीज़ कोशिश करेंगे। गलत हो जाए, जैसे ड्रॉ करते टाइम गलत हो जाए, तो आप कंट्रोल जेड कर सकते हो, तो कंट्रोल जेड से तो पता ही होगा आपको, बैक हो जाता है हर सॉफ्टवेयर में। और इसको उठा के भी यहाँ मिला दिया, कलर दे देते कोई अच्छा सा, तो इसका कलर हमने यहाँ पे रेड दे दिया, और ओके कर दिया, ये भी सही लग रहा है। और इसको उठा के क्या करते हैं, हम यहाँ रख देते हैं ऐसे,
ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या चीज़ चाहिए अपने को, ये कटोरा सा चाहिए तो इसको भी ले लेते हैं, और कैप है तो, और इसको उठा के यहाँ पे मैं रख देता हूँ, और इसका कलर दे दिया मैंने कौन सा, ग्रीन कलर। जब भी आप कर दोगे तो क्लिक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। और यहाँ से उठा के मैंने इसको यहाँ रख दिया ऐसे, कलर अच्छा नहीं लग रहा, कलर मैं एक काम करता हूँ चेंज करता हूँ, तो ब्लैक कलर ही रख के देखते हैं। तो ये ब्लैक कलर ऐसे नहीं अच्छा नहीं लग रहा, इसका कलर मैं पिंक रख देता हूँ यहाँ पे, और ओके कर देते हैं। चलो ये रख लेते हैं फिलहाल। और सेकंड, अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, ये चाहिए ये वाला फेस। तो पेन टूल से फिर ड्रॉ किया मैंने ऐसे, क्रॉस कर दिया। अभी मैं स्विच कर दूँ तो कुछ नहीं होता, क्योंकि ना स्विच करने नीचे दोनों में भी कलर था। ठीक है, इसे मैंने यहाँ रख दिया। आई ड्रॉपर टूल लिया यहाँ पे, और सॉरी यहाँ पे मैं कलर ले लेता हूँ, कौन सा कलर चाहिए था हमें, ये कलर, और यहाँ पे हमने ये वाला कलर डाल दिया और ओके कर दिया। इसका कलर यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं ऐसे, ठीक है। और कलर मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ से मैंने कलर चेंज कर लिया और ओके कर दिया, ठीक है ना, अच्छा नहीं लग रहा कलर, ये कलर देते हैं। तो ये ठीक लग रहा है। आउटलाइन मुझे किसी की नहीं चाहिए, तो मैंने सबको सेलेक्ट किया यहाँ से, और आउटलाइन देखो ये रही, इस नीचे क्रॉस के बटन पे क्लिक कर दिया, तो सारी आउटलाइन क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। देखो एक एक करके करनी पड़ेगी मुझे, ये रिमूव, ये रिमूव, ऐसे इसकी भी रिमूव कर देते हैं, ये भी रिमूव हो गया, और इसकी भी रिमूव, और यहाँ पे क्या करा हमने, ये भी रिमूव कर दिया। ठीक है, हो गया ड्रॉ ये। अब ये ड्रॉ करते हैं हम, पेन टूल पी से पेन टूल, और हमने ये चीज ऐसे ड्रॉ की। चाहो तो इसमें सर्कल का यूज कर सकते हो, सर्कल की शेप है इसके अंदर, पर अभी ना जब पेन टूल यूज कर रहे हो तो सिर्फ पेन टूल से ही ड्रॉ करना, ताकि आपको हर एक शेप ना समझ में आ जाए। अभी जैसे एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें ना विस्टा प्रिंट में एक स्टूडेंट का इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें ना पेन टूल से ही ना सर्कल को भी पेन टूल से ड्रॉ करने के लिए बोला था उन्होंने, उससे हुआ नहीं। फिर हम लोग क्या करते हैं, मैं आदत पड़ी होती है, सर्कल ले लेते हैं, शेप लेते हैं, तो आपको बस ये चीज़ वो ये देखना चाह रहे थे कि पेन टूल पे प्रैक्टिस है या नहीं है। चलो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, फिल को बंद कर लेते हैं। चलो इसमें कलर दे देते हैं, कौन सा कलर चाहिए, ब्लैक कलर, ये रहा। यार एक ही चीज़ बार बार है तो जरूरी नहीं है, आप एक बना सकते हो, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, ये भी बना लेता हूँ साथ में, पेन टूल अगेन, यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ ऐसे ऐसे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी रफली कर रहा हूँ, मैं टाइम नहीं दे रहा। हाँ चलो हो गया ये ड्रॉ। अच्छा तो अब ये दोनों एक जैसे ही है, तो बार बार बनाने की क्या जरूरत, हम ना इसी की ऑल दबा के कॉपी कर सकते हैं। तो पहले तो मैं इसको ना यहाँ ले जाता हूँ इसके फेस के ऊपर, फिर इसको मैंने फेस के ऊपर यहाँ रख लिया ऐसे, जैसे भी चाहिए, थोड़ी प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी मुझे, और इसी को उठा के मैंने इधर रख दिया। पर हो सकता है इसकी आईज ना इधर देखो थोड़ा सा अलग लग रहा है, मैं वैसे जैसे अलग ऐसे ही रख रखा है। चाहो तो आप कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म में फ्लिप का ऑप्शन होता है रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करने का, तो इससे क्या हो जाएगा, वो मिरर व्यू आ जाता है उससे, ठीक है। तो देखो हमारा ये ऐसा कुछ ड्रॉ हो गया, एक ये भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें क्या हो रखा है, सिर्फ ना इतना ही पार्ट है, पूरी है ही नहीं है, तो मैं भी ऐसे ही बना लेता हूँ। तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया, देखो ये तो मेरे तो ऐसे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिल को स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देंगे, और यानी सिर्फ स्ट्रोक स्ट्रोक आ जाएगी हमारी। स्ट्रोक को उठा के हमने यहाँ पे ऐसे रख दिया, चाहो तो स्ट्रोक का ऊपर अमाउंट भी आता है, आप ऐसे बढ़ा सक कम ज़्यादा सकते हो, तो यहाँ मैंने ऐसे रख दिया। अगेन यहाँ देखते हैं, अब फिर से पेन टूल, और इसको उठा के अपन वापस यहां रख लेते हैं।
अब ये जो डिजाइन था इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, ये डिलीट मार दिया, और इसको मैं इसकी जगह पे ऐसे रख लेता हूँ इस तरीके से। और एक काम करते हैं, इसको यहाँ से साइज को कम कर लेते हैं, इसको उठा के इधर रख लेते, पर ये पीछे आ रहा है। मैं राइट क्लिक करके ऑप्शन है अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, जैसे मैं फ्रंट में ले आता हूँ तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ गया ये। ठीक है, इसमें ग्रुपिंग नहीं करनी पड़ती है, किसमें ग्रुपिंग करनी पड़ती है? इसमें इसमें पेंट रूम में जो आप चाहो तो ग्रुप कर सकते हो, आसान हो जाएगा आपके लिए, नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हमारा ड्रॉ जो है वो इस तरीके से कुछ ड्रॉ हो गया, आ गया समझ में? तो हमने ऐसे पेन टूल से ड्रॉ करना सीखा। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन टूल है जो सब में मिलेगा आपको, ठीक है? तो आपको इस तरीके से ना अपने पेन टूल से जो भी छोटी छोटी चीज़ें निकालनी है पहले, जैसे आपने ये डिज़ाइन ले लिया, इसको ड्रॉ करने की कोशिश करी, ठीक है, ये छोटे छोटे डिज़ाइन इस तरीके से आपने इन आइकन्स को ड्रॉ करने की कोशिश करी, तो ये बनाना भी आपने पहले, ठीक है? ये ले लो, ये तो बहुत आसान सा लग रहा है, इसमें तो कुछ नहीं कर रखा है इसने, यहाँ से स्टार्ट किया और ये भी पूरा तक ले लिया। शेड्यूल है। हाँ, शेडो दी है इसने थोड़ी सी, तो शेडो भी हम आगे सीखेंगे, ठीक है? जैसे ये ले लिया शेड्यूल आपने, ये कौन वहां से कॉपी नहीं कर सकते, कॉपी में सिलेक्ट सा करके अलग से ले सकते शेडो? हैं। में कुछ नहीं करना होता ऐसे, शेडो में जैसे मुझे यहाँ शेडो देनी होगी ना, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा इसी की, इसी की पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल एफ करके, और मैंने इसी भी को मैंने अलग चीज थोड़ा सा करनी उठा है। के ऐसे रख दिया, इसका कलर मैंने थोड़ा सा लाइट कर दिया ऐसे, तो देखो शेडो आ गई है। आगे शेडो यहाँ पे ऐसे ही मुझे फेस में भी चाहिए होगी, तो कॉपी कंट्रोल सी से कॉपी होता है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, कंट्रोल एफ से पेस्ट होता है, और यहाँ से उठा के मैंने ऐसे रख दिया, और इस वाले को सिलेक्ट करके इसका कलर डबल क्लिक करके थोड़ा डार्क या लाइट कलर दे दिया, तो ऐसे शेडो आ जाएगी। ठीक है, आगे समझ में? हम इस तरीके से शेडो क्रिएट कर सकते हैं, तो आज बस इतना ही करके देखना है, ठीक है? पेन टूल से आपने क्या करना है, कुछ भी आइकन डिजाइन करने हैं, कुछ भी बना सकते हो, लाइक जैसे आपको कोई शेप दिखाई दे रही है, कोई इस तरीके का डिजाइन ले लिया आपने, वेक्टर फेस बेस डालना, आपको काफी सारे अलग अलग डिजाइन मिल जाएंगे, या बिल्कुल बेसिक सा ये देखो ये दिखाई दे रहा है, इससे स्टार्ट कर लिया, ये बना लिया, तो आपका मतलब हाथ थोड़ा बहुत सेट होगा, देन उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है? ये ले लो, ठीक बन जाएगा ना ये, तो आप इस तरीके से बनाने की कोशिश करना है, ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे रिकॉर्डिंग। बहुत हेल्पफुल।